गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी एस के तिवारी ने जनपद में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोगियों की तत्काल पंजीकरण और लोकेशन ट्रेनिंग के लिए समस्त क्षय रोग सुपरवाइजर को शासन द्वारा टैबलेट उपलब्ध कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी RNTCP कर्मियों को टैबलेट का वितरण किया और निर्देश दिया है कि सभी अपने कार्यों को गंभीरता से करते हुए मरीजों को शासन द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। समस्त RNTCP कर्मियों ने टैबलेट प्राप्त कर शासन और उच्च अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया और पुनः एक बार संकल्प लिया कि 6 रोगियों की सेवा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते रहेंगे। वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक धर्मवीर प्रताप सिंह, जिला PPN समन्वयक AN मिश्रा, मिर्जा आपता वैग, अरुण कुमार, गोविंद कुमार, राजवेंद्र तिवारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने हाथों से टैबलेट दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने कहा, लैब टेक्नीशियन जो है एक तीन दिन एक सुपर लैब STL सर बना करके भेजा गया, नाम वाइज भेजा गया कि जी हमारे STS जो है 23 है, STLS 9 है, तो उस हिसाब से जो क्राइटेरिया है उसके तो ये प्लानिंग हुआ है कि सर आपके घर काटा जाए तो फील्ड में काम मतलब सब लोग प्राइवेट मीन्स कोऑर्डिनेटर जो प्राइवेट डॉक्टर उनको जो है और ये जो कमी शो करते थे कि हमारे पास टेबलेट नहीं है, नहीं काम हो पा रहा है, अब ये बहाना नहीं हो जाएगा सर, आप फाइट में हमेशा रहेंगे। सर इसकी विशेषता ये रहेगी कि जो कार्य में डिले होता था, हमारे कर्मचारी जो है फील्ड में रहते हुए और जो है निक्षेप पोर्टल पर एंट्री नहीं कर पाते थे, जिसके कारण से दवाओं में देने में विलम्ब होता था, अब वह चीज़ हमारा कर्मचारी यदि देहात क्षेत्र में भी रहता है, PU पर रहता है, चाहे TMC पर रहता है, वहीं जो है अपने टेबलेट से निश्चय RT% का भर करके तुरंत जो है आन ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा और जो भी डाटा होगा उसको जो है फीड अप कर दिया जाएगा, क्योंकि अब जैसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रीटमेंट के तहत जो है जब निश्चय एंट्री ID हो जाता है, पेशेंट का आधार कार्ड और अकाउंट नंबर उसी समय जब फीड कर दिया जाएगा तो जो पेशेंट को लाभ मिलना होता है 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से पोषण के लिए, वो भी मिलना आसान हो जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अति शीघ्र अपने क्षेत्र के मरीज को RNTPC का लाभ मिल सके। यह कमियां अक्सर सुनने को मिलती थी कि सर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हम लोग पास टेबलेट नहीं है, इसलिए हम लोग डाटा फीड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए विलम्ब हो रहा है, निश्चय एंट्री नहीं हो पा रही है। अब यह कमियां कर्मचारी की तरफ से कहने को नहीं रहेगा, ये कमी हम लोग RNTPC के तहत दूर कर लिए हैं और उम्मीद है कि अब हर चीज़ जो है पेशेंट के परिप्रेक्ष्य में अच्छा होगा, पेशेंट हमारे लाभान्वित होंगे, समय से उनका इलाज चलेगा, कंप्लीट क्योर होगा, फॉलो अप होगा, इससे ये भी पता चलेगा कि हमारा कर्मचारी अपने क्षेत्र में है या नहीं है, क्योंकि उसमें GPS सिस्टम होता है, GPS सिस्टम लगे होने से पता चलता है कि हमारा कर्मचारी कहाँ से कौन सा काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसमें हर तरह की सुविधाएं फायदा होगा, जिससे कि हम लोगों का ट्रीटमेंट का ग्राफ, पेशेंट का जिससे ID सर हमारा बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए, हमारे कर्मचारी उनसे मैंने आश्वस्त कराया हूँ भी है कि सर पहले से बढ़िया काम होगा, अब आगे भविष्य में भी जो भी हमारे कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, कमी होगी, सरकार से मांगा जाएगा, लेकिन
100% पेशेंट जो है सर्वे हो, जिससे आईडी पे एंट्री हो और उनका फुल ट्रीटमेंट हो, जिससे अपना क्षेत्र, अपना प्रदेश, अपना देश टीबी मुक्त हो जाए और अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के सपनों को हम लोग साकार करें, 2025 तक टीबी मुक्त भारत कर सकें। टैबलेट वितरण किया गया है सर, क्या उपयोगिता रहेगी इसमें? टीबी में एक पोर्टल है, लक्ष्य पोर्टल, जिसके ऊपर सारी एंट्रीज करनी होती हैं ऑनलाइन, और वो एंट्री करने में हमारे कर्मचारियों को कुछ दिक्कत होती थी। जो हमारे फील्ड में STLS, STS हैं, वो कभी कभी उसको ला के फिर करना है PSC पे करना है बैठ के, या PSC पे हमारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल डाटा एंट्री ऑपरेटर्स थे उनको देते थे, वो वैसे भी ओवरबर्डन है, JSY JSS के तमाम प्रोग्राम्स की एंट्री करते रहते हैं। तो सोचा ये गया कि अगर कुछ व्यवस्था ऐसी हो जाए कि जो ये डाटा लेके आ रहे हैं देने, ये डेटा ये खुद ही लोड कर दें, जिससे कि उस पोर्टल पे सूचनाएं पहुंच जाएं। उसी क्रम में बहुत दिनों से प्रयास था कि इनको कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दिया जाए डिवाइस, जिसकी वजह से वो कार्य हमारा लक्ष्य पोर्टल की एंट्री का अच्छा हो जाए। उस क्रम में आज हमारे यहाँ 67 टैबलेट्स सरकार ने दिया है, जिसमें कुछ का वितरण हम लोगों ने अभी किया है, और उम्मीद है कि इससे हमारी एंट्री का काम और अच्छा होगा। वैसे हम टीबी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छे स्थान पे हैं, 9वां या 10वां स्थान हमारा है। हमारी कोशिश है कि हम अंडर 10 या अंडर 5 आ जाए, और इससे ज़रूर हमारी जो थोड़ी सी कमी थी कोटिंग पे हम अच्छी एंट्री नहीं दे पा रहे थे, वो अच्छी हो जाए।